हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पाठ दो को आगे बढ़ाते हुए वर्ण विचार करेंगे और वर्ण विचार में अब तक जो हमने पढ़ा है वो है वर्ण, वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, स्वर की मात्राएं, अनुस्वार और अनुनासिक। अभी तक हमने इन चिन्हों की जानकारी, इन चिन्हों का ज्ञान हमने वर्ण विचार के माध्यम से सीखा है। उसके बाद है बच्चों, आज हम सीखेंगे इस पाठ के अंदर विसर्ग, अयोगवाह, हलचिन, नुक्ता, आगत स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर, द्वित व्यंजन, र के विभिन्न प्रयोग और वर्ण विच्छेद के बारे में। तो बच्चों, हम विसर्ग से शुरू करते हैं। पहला है बच्चों इसमें विसर्ग। अह को हम विसर्ग कहते हैं। यह इन दो बिंदु के चिन्ह के रूप में प्रयोग में आता है। यह शब्दों के अंत में लगता है और ह जैसा उच्चारण देता है, पर बच्चों ये स्वर नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे ये तीन उदाहरण दिए गए हैं, हम इनको बोलेंगे। पहला है पुनः, अतः, प्रातः आदि। तो बच्चों, इनके अंदर जो ह की ध्वनि सुनाई दे रही है वो विसर्ग कही जाती है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है अयोगवाह। अयोगवाह में अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, इन तीनों का स्वर और व्यंजन में उपयोग किया जाता है। इनकी केवल मात्राएं होती हैं, इसलिए ये स्वरों में भी सम्मिलित होती हैं, पर इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप में नहीं होता है। इसलिए ये व्यंजन भी कहे जाते हैं। दोनों में होने के कारण ये अयोगवाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? अयोगवाह, क्योंकि ये स्वर की आवाज़ भी देते हैं और व्यंजन भी कहे जाते हैं, तो इसलिए बच्चों इनको अयोगवाह कहते हैं। फिर है हलचिन। हलचिन आपको ऐसा चिन्ह हिंदी भाषा के अंदर कई शब्दों के अंदर आपको दिखाई देता है, नज़र आता है, तो बच्चों यही चिन्ह हलचिन कहलाता है। जब व्यंजन को स्वर रहित दिखाना हो तो हलंत का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जब शब्दों में हलचिन स्वर रहित व्यंजनों में लगाए जाते हैं और यह इन व्यंजनों में और ये उन व्यंजनों में लगाए जाते हैं जिनमें छोटी पाई होती है। छोटी पाई का मतलब बच्चों छोटी लाइन से शुरू होने वाले अक्षर, जैसे ह, ठ, त, इनमें ये हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे विद्यालय, चिन, पट्टी आदि। ठीक है बच्चों, उसके बाद है नुक्ता। क्या है नुक्ता? नुक्ता का प्रयोग अरबी, फारसी मतलब उर्दू भाषा और अंग्रेज़ी से आए कुछ शब्दों में होता है। ठीक है बच्चों, इसको हम निम्न बिंदु भी कहते हैं, जैसे
कागज, दरवाज़ा, सफ़ेद आदि। ठीक है बच्चों, और ये शब्दों के नीचे बिंदु के रूप में लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, नुक्ता के बाद आता है बच्चों आगत स्वर। आगत स्वर वे स्वर हैं जो अंग्रेजी से आए हैं, पर उनका प्रयोग हिंदी में भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, वे शब्द जो अंग्रेजी से आए हैं और हिंदी में भी वैसे ही लिखे जाते हैं। दूसरी भाषा में तो हम बोले बच्चों, जैसे आपको यहाँ पर ये तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं, तो ऑफिस, कॉफ़ी, बॉल, ये तीनों शब्द अंग्रेज़ी में बोले जाते हैं, पर हिंदी में भी यही शब्द बोले और लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इनका चिन्ह इस प्रकार का होता है। आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा है, तो इसका चिन्ह इस प्रकार का होता है, जैसे बॉल, कॉफ़ी, ऑफिस, डॉल, कॉल, कॉलेज, डॉक्टर आदि। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, वो संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। पर इसमें एक व्यंजन स्वरहीन होता है और दूसरा व्यंजन स्वर युक्त। तो जब इन दोनों का मेल होता है तो ये शब्द ये निकल के आता है, और इनसे से जो शब्द बनते हैं वो ये हैं, जैसे रक्षा, कक्षा, तो क श ये रूप आया, और इस रूप से जो शब्द बने वो ये हैं। पर बच्चों इनकी ध्वनि हमें शब्दों के उच्चारण से महसूस होती है। जब हम शब्द बोलते हैं तब इन दोनों की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे रक्षा, कक्षा। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार है दूसरा, त र त्र, पत्र, चित्र। तो इसमें आपको त और र की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो जब हम शब्द बोलते हैं तब हमें इन दो वर्णों का योग या मेल से जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि हमें सुनाई देती है। ठीक है बच्चों, और ये पहला इसमें क्या होता है, स्वरहीन, दूसरा स्वरयुक्त, और दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से ये चार संयुक्त व्यंजन बनते हैं। इन संयुक्त व्यंजन के बारे में बच्चों आपने पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था। तो बच्चों ये वही संयुक्त व्यंजन है जो दो के योग से बनते हैं।